Hello students, this is Neetu Singh and today I am going to do the last para of the chapter The Death of a Tree. So here is your first line of the last para. Here now I lie to sleep my last sleep. So students, यहाँ पे जो tree है वो बता रहे हैं कि वो अब अपने आखिरी नींद सोने जा रहा है. Now students, over here my arms embracing my mother one last time. सो स्टूडेंट्स, इस लाइन में जो ट्री है वो बोल रहे हैं कि वो लास्ट टाइम अपने मदर के गले लग रहा है. विद द ग्रे लाइट ऑफ डॉन दे विल कम वंस मोर. सो स्टूडेंट्स, ओवर हियर द पोएट इज सेइंग थिंक दैट द पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि जैसे ही जो सुबह का जो अंधेरा जो है वो जैसे ही वो उगेगा वो लोग फिर वापस आएंगे यहाँ पे. Their weapons freshly honed to scrape and chop. So over here tree is saying कि जो उनके जो weapons जो है, जो हथियार जो है, जो tree को काटते हैं वो अच्छी तरीके से उन्हें fresh मतलब sharp कर दिया गया है जिससे वो लोग उस tree को अच्छे से काट सके. To cut and to bind, to struck and to load on truck and cart. तो इस लाइनिंग में ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो ट्री है उन्हें काट दिया जा रहा है और लोड कर दिया जा रहा है एक बड़े से ट्रक में या तो कार्ट में. नाउ यू कैन सी टू टेक मी फार एंड अवे टू होम एंड टू फ्यूनरल्स टू किल्स एंड टू फैक्ट्री. सो ट्री जो है वो बोल रहे हैं कि वो लोग जो है उन्हें काट कर दूर लेके जाएंगे उनके घर से और जो फ्यूनरल जो चिता जलाए जाते हैं भट्टी जहाँ जिसको बोलते हैं वहाँ उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए और फैक्ट्रीज़ में इन्हें ले जाया जाएगा. नाउ लास्ट लाइन ऑफ दिस पोयम टू बर्न एंड टू डिस्ट्रॉय मी ऑन 100 फ्यूनरल्स प्रेयर. ट्री जो है ये बोल रहे हैं कि उनको जला दिया जाएगा और जो 100s ऑफ फ्यूनरल्स प्रेयर तो जलाया जाएगा तो लोग जो है फ्यूनरल्स मतलब किसी के मरने पे जब वो लोग जो कुछ प्रेयर करते हैं तो उसके लिए इन्हें यूज़ किया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड द पोएम ऑल्सो. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पोएम एट योर होम एंड थैंक यू. स्टे होम एंड बी सेफ.